हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आरएम वर्सेस सीटीबी का एक बेहतरीन जानदार टीम आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लें। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर टीम क्रिएट करके दिखा देता हूँ और साथ में प्लेयर की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। तो देखिए, यहाँ बात करूँ दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों में सीटीबी मेरे हिसाब से इस मैच को जीत जाएगी। इनके प्लेयरों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनके प्लेयर जो हैं अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सीटीबी यहाँ से जीतती नज़र आ रही है। और फील्डर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर चार प्लेयर लेके चल रहा हूँ। आपको पहले प्लेयर मिल जाएंगे सी ची हाओ, एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूँ, पिछले मैच में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस 34 का स्कोर किए थे, एक अच्छी परफॉर्मेंस ये दिखाते हैं। लेकिन इनकी एक कारण और है कि देखिए 20 मिनट में लंबा गायब हो जाते हैं, कभी चार पाँच का स्कोर ही कभी काल करते हैं, लगातार करते हैं ये, कभी ये काल आपको ये बड़े स्कोर करते मिल जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट आपको पढ़ सकते हैं, सी ची हाओ को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूं तो पिछले मैच में 34 का स्कोर, फिर 4, फिर 8, फिर 0, फिर 19, फिर 4 का स्कोर, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये गड़बड़ उबड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनको आप रख सकते हैं सी ची हाओ को। अब बात करूँ दूसरे प्लेयर आपको मिल जाते हैं सी टजू, ये भी एक ज़बरदस्त प्लेयर है, मेरे हिसाब से आप इनको अपने टीम में रख लीजिएगा। इनकी परफॉर्मेंस की मैं आपको बात करूं तो पिछले मैच में 11 का स्कोर, फिर 13, 21, 0, 4, 28 और 32 का स्कोर है, तो बहुत ही गजब कि ये दोनों प्लेयर हैं सीटीबी के, दोनों प्लेयर मेन प्लेयर कह सकता हूं, तो इन दोनों को अपने टीम में ज़रूर आप रख लीजिएगा। अब बात करूँ तीसरे प्लेयर आपको मिल जाएंगे सी वेंची, एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, पिछला मैच इनका अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए थे, तो सी वेंची को मेरे हिसाब से पिक कर लें। देखिए पिछले मैच में इन्होंने 33 का स्कोर किया है, फिर उससे पहले 4, फिर 0, 7, 0, 14 और 3 का स्कोर है, तो पिछला मैच छोड़ दें तो उससे पहले वाले मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए हैं। लेकिन बेसबॉल में क्या होता है, कोई प्लेयर एक मैच में चल जाता है तो वो दो तीन मैच तो बढ़िया ही करता है, तो मेरे हिसाब से ईवी इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, तो सी वेंची को आप अपने टीम में रख लें। अब बात करूँ चौथे प्लेयर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सी ची, इनको लेके चल सकते हैं, ये भी ठीक ठाक प्लेयर हैं, लेकिन पिछले मैच में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, तो देखिए इस मैच में ये खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, इनके खेलने पे भी संकट है। अब बात करूँ इनफील्डर सेक्शन की, तो इनफील्डर में यहाँ पर फिलहाल तीन प्लेयर लेके चल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सी टी वी की तरफ से मिल जाएंगे डब्ल्यू वेन चेन, ये एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, इनकी परफॉर्मेंस आपको कहीं गिरावट नज़र नहीं आएगी। पिछले मैच में इन्होंने 14, फिर 11, फिर 19, फिर 17, फिर 20, फिर 23 का स्कोर है, तो ये बहुत बड़े मैं कह सकता हूँ प्लेयर हैं सी टी वी के मेन प्लेयर। देखिए सारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो कभी कल उतार चढ़ाव नज़र आता है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में रेगुलर इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, तो डब्ल्यू वेंचे को आप जरूर यहां से पिक कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आप कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप इनको अपने टीम में रख लीजिए। अब बात करूं देखिए दूसरे प्लेयर मिल जाएंगे वाई टुंग हाओ, भी एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनको भी अपने टीम में रख लीजिएगा। सी टी वी के मेन प्लेयर ई भी हैं, इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ई भी पिछले मैच में 14 का स्कोर, उससे पहले 11, 18, 4, 0, 0, 28 का स्कोर है, तो बहुत ही अच्छे भी प्लेयर हैं, दो मैच छोड़ दें तो लगभग सारे मैचों में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, तो वाई टुंग हाओ को भी अपने टीम में रख सकते हैं, चाहे तो वाइस कैप्टन या कैप्टन भी बना सकते हैं। अब बात करूँ तीसरे प्लेयर आपको मिल जाएंगे एल चेंग, एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ज़्यादा मैच ये खेले नहीं हैं। पिछले मैच में इन्होंने 4 का स्कोर, फिर 12, फिर 0, फिर 15 का स्कोर है, शुरुआती मैचों में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, इधर के मैचों में तीन चार मैचों से ये ठीक ठाक खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एल चेंग को आप यहाँ से पिक कर लें ठीक पड़ेंगे। अब बात करूँ पिचर में, तो पिचर में आपको बता देता हूँ यहाँ से HNC को मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल लेके चल रहा हूँ। देखिए पिछले मैच में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, तो मेरी उम्मीद यही है कि ये इस मैच को भी खेलते नज़र आएंगे, मेरे हिसाब से आप इनको कैप्टन ही बना सकते हैं। पिछले मैच में 20 का स्कोर खड़ा किए थे, तो एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनके साथ चले जाइए। लाइनअप आउट होने पर ही पिचर का ठीक से पता चल जाएगा, तो लाइनअप आउट होने पर आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे मैं एक बेहतरीन टीम दे देता हूँ, तो वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए HNC को मैं अभी फ़िलहाल लेकर चल रहा हूँ, लाइनअप के बाद मैं टेलीग्राम पर बताऊँगा कौन सा पिचर यहाँ पर खेलते नज़र आ रहा है। अब बात करूँ देखिए
कैचर की, तो कैचर में देखिए एल चेन फू बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप इनको अपने टीम में ज़रूर रख लीजिएगा, बहुत ही गजब के प्लेयर हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कैप्टन या वाइस कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन में यहाँ पे एच इन सी को मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए ये खेलते हैं तो इनको कैप्टन रखूँगा, यदि नहीं खेलते हैं तो मैं वाइस कैप्टन आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल वाइस कैप्टन देखिए डब्ल्यू वेंचे को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, लेकिन ई सी नहीं खेलते हैं तो यहाँ पे मैं वाई टुंग हाउ को मैं वाइस कैप्टन और कैप्टन रखूँगा डब्ल्यू वेन चेन को। तो ये दोनों प्लेयर मेरे हिसाब से बेस्ट होंगे। मैं आपको यहाँ पे टीम प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए इस टीम में एच इन सी खेल रहे हैं तो यही टीम रहने वाली है, इसमें कोई खास चेंजिंग मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।